मौसम विभाग की ओर से गोरखपुर बलिया सहित 32 जिलों में चेतावनी वाला लेटर जैसे ही वायरल हुआ वैसे ही गोरखपुर न्यूज ने इसकी पड़ताल शुरू कर दी। पड़ताल में पता चला कि लेटर तो सही है लेकिन 5 मई को किसी भी प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आने वाली है, इसलिए उस लेटर को लेकर हमारी दर्शकों से अपील है कि वह घबराए नहीं। गोरखपुर न्यूज सिर्फ न्यूज ही नहीं दिखाता बल्कि गलत और फेक न्यूज की पड़ताल भी हमारी जिम्मेदारी है। इसी जिम्मेदारी के तहत वायरल हो रहे मौसम विभाग के एक लेटर की पड़ताल करने पर सामने आया कि लेटर मौसम विभाग की ओर से ही जारी किया गया था लेकिन गोरखपुर न्यूज से एक विशेष बातचीत के दौरान मौसम विभाग के वेदर फोरकास्टिंग इंचार्ज श्याम नारायण ने कहा कि ये लेटर 3 मई को जारी किया गया है और 5 मई के संबंध में सावधानी की बात कही गई है लेकिन मानसून के कमजोर पड़ने पर अब इसका पूर्वी उत्तर प्रदेश पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं श्याम नारायण बोल रहा हूँ, अरे मैं फोरकास्टिंग इंचार्ज हूँ। तो कल दिया गया था सिस्टम, उस आधार पर अभी सिस्टम कमजोर हो गया है तो कुछ जनपद अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इंक्लूडेड है उसमें। अच्छा, उसमें है सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, बिजनौर, बागपत, मेरठ, ये 4-5 डिस्ट्रिक्ट बचे हैं जिनमें संभावना हो आ सकता है जी। मतलब आज थंडर स्टार्म हो सकता है और गश्ती विंड हवाएं तेज चल सकती है और जगह सब कभी कोई संभावना नहीं है। ईस्ट यूपी में जो आप कह रहे हैं गोरखपुर बिल्कुल फ्री है, गोरखपुर में कोई संभावना नहीं है।